हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीपीटीएन फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल। थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल की बात करें दोस्तों तो इसमें तीन टाइप्स का मटेरियल है, कम्युनिटी प्लास्टिक्स है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक है एंड स्पेशलिटी प्लास्टिक है। तो फर्स्ट वन इज कम्युनिटी प्लास्टिक्स। तो कम्युनिटी प्लास्टिक्स मटेरियल में क्या है, यूज्ड इन हाई वॉल्यूम, यानी कि अगर हम कम्युनिटी प्लास्टिक्स मटेरियल की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है वो हाई है, यानी कि बहुत सारे एप्लीकेशंस को हैं जो कम्युनिटी प्लास्टिक्स से बनते हैं। लो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम दोस्तों, जैसे कि उसका स्ट्रेंथ हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, केमिकल रेजिस्टेंस हो गया, तो ये सब जो हम अगर बात करेंगे उसका, तो इसमें लो रहता है। इसके बाद में गुड लो कॉस्ट, कॉस्ट जो है वो दोस्तों वो कम है इसका। इसके बाद में एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो पैकेजिंग हो गया, फोटोग्राफर हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गए, क्लोथिंग हो गए एंड वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, और बहुत सारा वैरायटी हाउस होल्ड एप्लीकेशंस का। इसके बाद प्रोडक्ट्स में बात करें तो प्लेट्स है, कप है, कैरिंग ट्रे है, मेडिकल ट्रे है, कंटेनर्स है, सीडिंग ट्रे है, प्रिंटिंग मेडिकल मटेरियल्स है एंड अदर डिस्पोजल्स आइटम है। एग्जांपल अगर देखेंगे तो कौन कौन से मेटल कम्युनिटी प्लास्टिक्स में आते हैं, पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपीलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीमेथिल मेथाइक्रिलेट। देन सेकेंड वन है दोस्तों इंजीनियरिंग प्लास्टिक। इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स क्या होता है, वेटर मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टी देन कम्युनिटी प्लास्टिक्स मटेरियल, यानी कि इसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी और थर्मल प्रॉपर्टी है वो कम्युनिटी से अधिक अच्छा है। मोर एक्सपेंसिव, महंगे भी हैं, प्रोड्यूस इन लोअर क्वांटिटीज एंड टेंड्स टू बी यूज्ड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये जो है लोअर क्वांटिटी में हम बनाते हैं, जैसे कि बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है कम है अगर हम कंपेयर करें कम्युनिटी प्लास्टिक्स मटेरियल से। लो वॉल्यूम एप्लीकेशन, यानी कि वॉल्यूम लाइक जैसे कि हो गया मेडिकल पार्ट्स। इसके बाद में एग्जांपल कौन कौन से मेटल्स जो हैं इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में आते हैं, तो ABS है, एक्रिलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन यूज्ड फॉर कार्बन बर्स, पॉलीकार्बोनेट यूज्ड फॉर मोटर साइकिल हेलमेट, PC हो गया, पॉलीमाइड्स हो गया, नाइलॉन यूज्ड फॉर स्काई वुड्स, तो ये सभी एग्जांपल हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है स्पेशलिटी प्लास्टिक्स। स्पेशलिटी प्लास्टिक्स में दो टाइप्स के मेटल्स होते हैं, जैसे कि अमॉर्फस है और सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स हैं। तो एमॉर्फस पॉलीमर में जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे PSU है, पॉलीसल्फोन, इसके बाद में PES है, पॉलीइथर सल्फोन है एंड इसके बाद में पॉलीइथर इमाइड। इसके बाद सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर की बात करेंगे तो इसमें आपका PPS है, पॉलीफिलिन सल्फाइड एंड पीक है, पॉलीइथर इथर कीटोन एंड पीक, यानी कि पॉलीइथर कीटोन। इसके बाद में बहुत ही एक्सपेंसिव ये मेटेरियल रहते हैं, महंगे रहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे पीक मेटेरियल का तो लगभग में $100 पर केजी यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद में 3 to 20 टाइम्स एज एक्सपेंसिव एज इंजीनियरिंग प्लास्टिक। इंजीनियरिंग प्लास्टिक की बात करेंगे तो ये 3 से 20 गुना तक इंजीनियरिंग प्लास्टिक से अधिक महंगे रहते हैं। इसके बाद में यूज्ड इन स्मॉलर अमाउंट, बहुत ही कम मतलब स्मॉल अमाउंट में यूज होते हैं। इसके बाद में देखेंगे दोस्तों तो टेम्परेचर स्टेबिलिटी इज मोर देन अदर स्टैंडर्ड प्लास्टिक्स। इनकी यानी कि स्पेशली जो प्लास्टिक्स मटेरियल हैं, जनरली इनका यूज जो है बहुत ही हायर एप्लीकेशन में यूज होता है, जहाँ पे इनका मतलब हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, रिजिडिटी ज़्यादा चाहिए, यानी कि स्ट्रेंथ जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छा रहेगा और उसका टेम्परेचर बहुत ही अधिक रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो ब्लू कलर से हमने कम्युनिटी प्लास्टिक्स को इंडिकेट किया है, अगर हम ब्लू कलर में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ABS है, PS है, PVC है, PP, HDPE, यानी कि ये जो मटेरियल्स हैं आपका कम्युनिटी प्लास्टिक्स मटेरियल में आते हैं, तो इनका जो टेम्परेचर रहेगा वो कम रहेगा। इसके बाद में ग्रीन कलर से इंडिकेट किया, जैसे PC हो गया, PP हो गया, एक्रेलिक है, यानी कि PET मटेरियल्स है, नाइलॉन हो गया, तो ये इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स जो हमने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया, इसका टेम्परेचर तो कम्युनिटी से अधिक रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट वन है आपका ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर में जैसे कि आ गया पीक हो गया, PTFE हो गया, इसका PSC हो गया, तो आपका ये स्पेशलिटी प्लास्टिक्स है, तो इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो इंजीनियरिंग ग्रेड स्ट्रक्चुअल गुड वियर रेजिस्टेंस। तो आपको देख रहे साइड में प्रॉपर्टीज भी लिखा है, यानी कि जिसका जो टेम्परेचर लगभग में 250 से 450 डिग्री तक दिखा रहा है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है अल्ट्रा स्पेशल प्लास्टिक्स मटेरियल। तो इसमें क्या है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, स्टीम रेजिस्टेंस है, हाई वियर रेजिस्टेंस है, हाई केमिकल रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि आपका कम्युनिटी प्लास्टिक्स मटेरियल हो गया उसका टेम्परेचर कम है, इसके बाद में आपका इंजीनियरिंग में और अधिक रहेगा, इसके बाद में स्पेशल प्लास्टिक्स में और अधिक रहेगा, इसके बाद अल्ट्रा स्पेशलिटी प्लास्टिक्स मटेरियल हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या मेल्टिंग टेम्परेचर है वो अधिक है, ज़्यादा टेम्परेचर पर सस्टेन कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस दोस्तों उसका अधिक रहेगा। इसके बाद में अगर हम एप्लीकेशन की बात करें
तो एप्लीकेशन और वॉल्यूम की बात करें तो एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी प्लास्टिक्स मेटल के, उसके बाद इंजीनियरिंग है, उसके बाद स्पेशलिटी है, और उसके बाद में अल्ट्रा हाई अल्ट्रा स्पेशलिटी मटेरियल्स हैं। तो आप देखें कि जैसे जैसे मतलब हमारा जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे यानी कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं इनके सभी के फुल फॉर्म, स्पेशलिटी कम्युनिटी इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।